तो आ गए आप। तो मुझको भी पता है अगर आप बिल्कुल सीरियस है सर्वर्स में, मतलब कि सर्वर को आप खेलना चाहते हो एक्चुअली में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अभी मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने दोस्तों जब सर्वर खेलना स्टार्ट किया तो मुझको भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होने लगी। पिंग उस समय ज्यादा जरूरी होती है जब हम कोई बेड वार खेल रहे हैं या कोई मतलब मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं जिसमें कोई हमारा मैच लगा है। अगर उस टाइम पर हमारी जो पिंग है वो बिल्कुल खराब आए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो ट्रिक्स मैंने अपनाई है जिससे कि मेरा ये पिंग है ये ठीक हो गई है। कोई भी 300, 400, 500, 600, 900 तक नहीं जाती है। इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको भी सीरियसली सर्वर्स में खेलना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आपको नहीं खेलना है वैसे ही आए हो आप इस वीडियो पर तो आप जा सकते हो, अभी आप जा सकते हो। अगर देखना है तो पूरा देखना। तो अभी अगर हम अपने सर्वर्स की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाएं तो यहां पर हमें देखने को मिलती है 300, 400 या 200 की पिंग। अभी इसको कैसे फिक्स करना है, इसके प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसको प्रॉब्लम आपको पता होंगे तो आप खुद भी इसको फिक्स कर सकते हो। जैसे अगर आपको इसका प्रॉब्लम पता है कि ये प्रॉब्लम है तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीज को फिक्स करना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इसके प्रॉब्लम्स को समझो। सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है हमारे इंटरनेट में। झूठ नहीं बोलना भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे इंटरनेट में। जो सर्वर होते हैं वो तो चलते हैं एक एक दो दो GBPS वाली स्पीड पर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत ज्यादातर होती है हमारे इंटरनेट में। अभी आप समझ लेना कि आपको इंटरनेट को कैसे फिक्स करना है, और आगे भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या ट्रिक्स अपनानी है जिससे कि आपका ये फिक्स होगा। अभी अगर हम बात करें दूसरी प्रॉब्लम की, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि उस सर्वर में बहुत ज्यादा बंदों का होना। अभी आप कहोगे कृष्णा यार इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, अभी बंदों का आना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। भाई ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है। वो क्या है ये मैं आपको आगे आने वाले टिप्स में बताता हूँ। अभी बात करते हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम की। दोस्तों जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है वो आती है हमारे मोबाइल के जो माइनक्राफ्ट का APK है उसमें। आप कहोगे यार वो कैसे, अभी उसकी भी आती है प्रॉब्लम, उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपकी पिंग 200 तक भी जाती है फिर भी आप बहुत ही स्मूथ गेम प्ले खेल सकते हो सर्वर्स में। भाई सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपकी 200 या 150 की भी पिंग आ जाती है ना तो भी आप बहुत ही स्मूथ खेल सकते हो अपनी माइनक्राफ्ट। वो क्या क्या सेटिंग्स है जो आपने अपनी माइनक्राफ्ट में अप्लाई करनी है वो आपको मैं अभी आगे आने वाले टिप्स में बताऊंगा। दोस्तों ये जो तीन प्रॉब्लम्स है ये ही मेन प्रॉब्लम्स होती है जिससे कि पिंग हाई होती है या लैग होता है आपके सर्वर में। तो अभी आप कहोगे भाई इसको कैसे फिक्स करना है, जल्दी से बता दे, अभी मैंने सर्वर खेलने हैं। भाई 2 मिनट सब्र करो, बताता हूँ अभी आपको मैं। तो दोस्तों चलो अभी बात करते हैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके सलूशन की। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो है हमारे इंटरनेट कनेक्शन की। दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम मुझको ही नहीं आपको भी बहुत सारे बंदों को होगी, क्योंकि आज के समय में जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है जिससे कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा स्लो आती है। अभी जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो तो दे रहा है फुल स्पीड तो दे रहा है जितनी उसकी लिमिट है, लेकिन उस एरिया में जितने ज्यादा यूजर होंगे तो वो स्पीड डिवाइड हो जाएगी सभी यूजर्स में। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है पिंग की और इंटरनेट स्लो होने की। अभी आप कहोगे भाई इसको हम कैसे भी फिक्स कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, अभी इतने सारे बंदे अगर यूज कर रहे हैं हम अभी जाकर उनको रोक तो नहीं सकते ना। हाँ दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम वाईफाई का इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अभी आप कहोगे मेरे पास वाईफाई ही नहीं है, अभी मैं वाईफाई कहाँ से लेकर आऊँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मोबाइल डाटा को ही इस्तेमाल करो। आपने क्या करना है, कोई भी दूसरा मोबाइल ले लेना है, उससे हॉटस्पॉट चलाकर आपने जिस मोबाइल में गेम खेलनी है उसमें उसको कनेक्ट कर लेना है। अभी इसका फायदा क्या होगा, अगर आप जिस मोबाइल में हॉटस्पॉट चला रहे हो अगर वो पड़ा रहेगा ऐसे ही तो वो बैकग्राउंड में ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, ज्यादा इंटरनेट नहीं लेगा। अगर आप जिस मोबाइल में गेम खेल रहे हो उसी मोबाइल डाटा से, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका मोबाइल चलता रहता है और बैकग्राउंड में भी 36 काम
चलते रहते हैं। तो इसका आपको मैंने ये सोल्यूशन बता दिया है आपने क्या करना है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं भी है, आपने क्या करना है, अपने दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट चलाकर और जिस मोबाइल में आपने गेम खेलनी है उसमें उसको कनेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको और आपकी गेम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, जिससे कि कोई नेटवर्क का इशू आपको नहीं होगा। इससे मैं आपको 100% कह सकता हूँ, आपको 20 से 30 पिंग तो ऐसे ही माइनस हो जाएगी। आगे की ट्रिक्स और सुनो, जिससे कि आपकी और भी ज्यादा पिंग कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम अपनी दूसरे ट्रिक की। अभी दोस्तों ये जो दूसरा सोल्यूशन है, इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में कॉपी पेन ले लेना। कॉपी पेन की जरूरत क्यों पड़ेगी, अभी आप सुन लो। अभी दोस्तों आपने सर्वर्स में जो बंदे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, इसको आपने स्टडी करना है। वो आपने देखना है कि किस समय ज्यादा बंदे होते हैं और किस समय कम बंदे होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर में बताऊं, पूरे दिन में सर्वर में बहुत ज्यादा बंदे होते हैं क्योंकि दिन में लोग खेलते हैं। अगर वही सर्वर को आप जाकर रात को चलाएंगे, रात को 12 बजे के बाद, जैसे कि 1-2 बजे, इस समय अगर आप उसको चेक करोगे तो वहां पर जो बंदे हैं उनकी गिनती 50-60% कम हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, ये सच में ऐसा होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बच्चे हैं, कि बच्चे तो अभी इतनी रात को मतलब खेलते नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं जो मतलब खेल सकते हैं इतनी रात को। अभी उसका भी आपको मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको दिन के समय में देखना है सबसे कम लोग कब होते हैं। अभी आप कहोगे भाई मेरे पास इतना खाली समय थोड़ी ना है, अभी मैं पूरा दिन देखूंगा। अभी आप देखो, हर घंटे देखना, ठीक है, ज्यादा मत करो, हर घंटे देख लो बीच बीच में। और अगर आप घंटे भी नहीं देख सकते, आप संडे को देखना, संडे को तो फ्री होंगे, संडे में आप क्या करते हो, बस संडे को देख लेना, हर घंटे देखना कि कितने बंदे ऑनलाइन होते हैं और कितने बंदे ऑफलाइन। इससे क्या होगा, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, सर्वर पर लोड कम होगा, आपको ज्यादा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें खेलने के लिए, और आपका जो गेम है वो पूरा स्मूथ चलेगा। ये दोस्तों एक फैक्ट है, इसको आप जरूर से ट्राई करना। इससे भी आपका 50-100 पिंग तो ऐसे ही माइनस हो जाएगी, क्योंकि सर्वर पर अगर लोड ही नहीं होगा तो वो ज्यादा आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं हुआ है, आगे वाली जो मैं सेटिंग्स आपको मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देख लेना, उससे भी आपका ये जो सर्वर वगैरह है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बात आती है अपने मोबाइल की सेटिंग्स की। अभी जो मोबाइल की सेटिंग्स है वो कॉमन सी मोबाइल की सेटिंग है, ज्यादा उसमें कुछ आपको करना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो सेटिंग्स में जाकर, जो मतलब सेटिंग्स में जाने के बाद वीडियो के सेक्शन में चले जाना है। वीडियो के सेक्शन में बिल्कुल लास्ट में आपको एक मिलेगा रेंडर चंक। अभी आपके अभी डिवाइस पर निर्भर करता है कि आपका डिवाइस कितना झेल सकता है। अगर आपका डिवाइस बहुत ही लो है, लो एंड डिवाइस है ना, तो इसको आप 8 से भी नीचे रखना। अगर आपके मोबाइल में 4GB रैम है तो इसको आप 8 पर ही रखना। अगर आपके मोबाइल में 6 या 8GB रैम है तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, कैसे कहां पर लैग हो रहा है, कहां पर आपका स्टटर वगैरह हो रहा है, उस हिसाब से इसको आप सेट कर लेना। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों एक पहली सेटिंग। अभी आपको दूसरी सेटिंग क्या करना है, ये जितने भी आपको ग्राफिक्स के ऑप्शन दिख रहे हैं इनको आपने कर देना है ऑफ। ये ब्यूटीफुल स्किन्स वगैरह, जो ब्यूटीफुल शेडर वगैरह जितने भी यहाँ पर लग रखे हैं, हाई ग्राफिक्स लग रखे हैं, ये जो मैं सेटिंग्स ऑफ कर रहा हूँ, ये वाली सेटिंग्स आपने भी ऑफ कर देनी है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, आपके जो सर्वर है उनको बहुत सारा बूस्ट मिलेगा कि ज्यादा आपको ग्राफिक्स वगैरह रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके तरफ से आपकी गेम तो स्मूथ चलेगी। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुई वो अलग बात है, पर आपका मोबाइल तो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए कि नहीं। अगर आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक चलेगा, सर्वर भी आपके साथ तालमेल बिठा करके बिल्कुल सही चलेगा। तो यही जो दो तीन सेटिंग्स हैं इनको आप परफॉर्म करो और देखो आपका ये फिक्स होता है कि नहीं। तो अभी आपको मैं एक और बोनस टिप बता देता हूँ, जिससे कि ये लास्ट बोनस टिप है। तो अगर आपका इससे भी फिक्स नहीं हुआ, ये बोनस टिप को जरूर से अप्लाई कर देखना। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम अपनी बोनस टिप की, जिससे कि आपका ये फिक्स होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी
अगर आप YouTube पर जाकर सर्च करते हो, अगर आपने मेरे सिवाय और भी कोई वीडियोस अगर देखी हैं, सभी ने एक ही चीज को कॉपी कर रखा है। सभी बता रहे हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, चलाओ और आपकी ये फिक्स हो जाएगी। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चलाकर देखा, लेकिन वो इतनी घटिया एप्लीकेशन है और भी स्लो कर देती है वो। पर आप अपने मोबाइल में एक बार उसको इंस्टॉल कर ट्राई कर देख लेना, अपनी तसल्ली के लिए उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई सर्वर में और दिक्कत आ रही है, जैसे कि अगर आपको सर्वर आपका चल नहीं रहा है, वहां पर कमिंग सून लिखा आ रहा है कि सर्वर वाले सेक्शन में, और वहां पर आप अगर सर्वर आपको आ भी रहे हैं, अगर आप सर्वर चलाते हो तो आप डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सर्वर हो जाते हो, इस तरह के अगर आपको कोई एरर्स आते हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लोगे ना, तो आप माइनक्राफ्ट के सर्वर के मास्टर बन जाओगे। कोई भी एरर को आप ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। ये वाली प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लेना। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में।